नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। टीएमसी सांसद और एक्ट्रेस नुसरत जहां ने 26 अगस्त 2021 को बेटे को जन्म दिया था। नुसरत की प्रेगनेंसी काफ़ी विवादों में रही थी, क्योंकि अपनी प्रेगनेंसी से पहले ही नुसरत पति निखिल जैन से अलग रहने लगी थी। निखिल ने भी बताया था कि उन्हें नुसरत की प्रेगनेंसी को लेकर कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में नुसरत के बच्चे के पिता के नाम पर बस अटकलें ही चल रही थी। लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि नुसरत जहां के बच्चे के पिता एक्टर यश दास गुप्ता हैं। नुसरत के बच्चे के बर्थ रजिस्ट्रेशन की डिटेल पब्लिक डोमेन पर सामने आ गई है। इसमें बच्चे का पूरा नाम ईशान जे दास गुप्ता लिखा गया है। कोलकाता नगर निगम में दर्ज डॉक्यूमेंट के मुताबिक पिता का नाम देवाशीष दास गुप्ता लिखा गया है, जो कि एक्टर यश दास गुप्ता का ऑफिशियल नाम है। इससे ये साफ हो गया है कि नुसरत जहां के बेटे के पिता का नाम यश दास गुप्ता है। अभी तक यश दास गुप्ता के नाम पर सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे थे। दबी जबान में यश दास गुप्ता का नाम लिया जा रहा था, लेकिन अब ये आधिकारिक हो गया है कि यश दास गुप्ता और नुसरत जहां रिलेशनशिप में है, जिससे उनका एक बच्चा है। नुसरत जहां को डिलीवरी के लिए अस्पताल यश दास गुप्ता ही लेकर गए थे। बेटे के जन्म के बाद यश ने ही पब्लिक को खुशखबरी भी दी थी, साथ ही नुसरत और बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी भी दी थी। नुसरत और यश दास गुप्ता इन दिनों अक्सर साथ देखा जाता है। नुसरत जहां और यश दास गुप्ता के अफेयर की अटकलें काफ़ी पहले से चल रही हैं, जब एक्ट्रेस निखिल जैन संग शादी के रिश्ते में थी। निखिल ने अपने बयान में नुसरत और यश के अफेयर का हिंट भी दिया था। उनके मुताबिक नुसरत संग उनकी शादी टूटने की वजह यश दास गुप्ता थे। अपनी बात रखते हुए निखिल ने खुलकर यश दास गुप्ता का नाम नहीं लिया था, लेकिन ये कहा था कि 2020 अगस्त में एक फिल्म की शूटिंग के बाद से नुसरत के तेवर बदलने लगे थे। मेरी पत्नी का रवैया इतना बदल गया है कि मैं फिर सोच में पड़ गया था। बता दें कि उस वक्त नुसरत जहां की यश दास गुप्ता के साथ फिल्म SOS कोलकाता रिलीज हुई थी। नुसरत और यश इस दौरान साथ में फिल्म प्रमोट करते भी नजर आए थे। उनकी साथ में तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। नुसरत जहां और निखिल जैन ने 2019 में टर्की में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी। धूमधाम से हुई ये शादी लंबी नहीं टिक पाई। निखिल और नुसरत अब इस शादी से अलग हो गए हैं। नुसरत ने कहा था कि उनकी ये शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं हुई है, इसलिए ये अमान्य है। नुसरत और निखिल ने शादी से अलग होते वक्त एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगाए थे। निखिल जैन का कहना था कि नुसरत ही थी जो शादी के रजिस्टर कराने से बचा करती थी। उन्होंने कई बार शादी रजिस्टर कराने के लिए नुसरत को कहा था, पर उन्होंने अनसुना कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।